दोस्तों कल आपको सिनेमा घरों के अंदर इस साल की मच अवेटेड मूवीज में से एक एक्शन मूवी प्रभास की साहो नजर आने वाली है। साहो में आपको श्रद्धा कपूर और प्रभास की जोड़ी नजर आएगी। जहां प्रभास इस फिल्म के अंदर एक हीरो का किरदार निभाएंगे, वहीं फिल्म के अंदर बहुत सारे विलन होने वाले हैं, जैसे कि नील नितिन मुकेश, चंकी पांडे, साथ ही साथ महेश मांजरेकर, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आएंगे। वहीं मंदिरा बेदी फिल्म के अंदर अहम किरदार निभाने वाली हैं। दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको तीन बड़े कारण जिस वजह से इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। दोस्तों पहला कारण है फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, प्रभास फिल्म के अंदर एक दमदार कैरेक्टर निभाने वाले हैं। इनका जो कैरेक्टर है वो फिल्म के हर फेज के साथ चेंज होता नजर आएगा। स्टार्टिंग से ही आपको उनके कैरेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके की विविडनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके कैरेक्टर पर 2 साल तक काम चला है, यानी कि उनका कैरेक्टर बहुत ही वास्ट होने वाला है। दोस्तों उनके कैरेक्टर को लेकर भी दावा किया गया है कि अब तक का उनका सबसे बेस्ट कैरेक्टर में से एक होने वाला है। हालांकि बाहुबली को उनका कैरेक्टर बीट कर पाएगा या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। अब उनकी आखिरी फिल्म बिल्ला, जो कि काफ़ी शानदार फिल्म थी, उसके बाद उन्हें इसी फिल्म के अंदर एक स्टाइलिश अवतार में देखा जाएगा, जहां वो एक स्टाइलिश कॉप की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बाहुबली एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी और उसके बाद उनकी ये फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि बिल्कुल उससे अलग है, यानी कैरेक्टर के अंदर आपको वेरिएशन तो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे बड़े कारण के बारे में। दोस्तों फिल्म के एक्शन सीन्स को इस तरीके से बनाया गया है कि फिल्म बहुत ज़्यादा बजट खींच गई, जहां 150 करोड़ के आसपास का बजट सिर्फ एक्शन सीन्स में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 350 करोड़ में बनी इस मूवी का आधे से ज़्यादा पैसा एक्शन सीन्स में लगाया गया, यानी कि एक्शन सीन्स आपको एक नए ही लेवल के देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं और तीसरे और सबसे बड़े कारण के बारे में, जो कि है फिल्म की वेरिएशन। जहां प्रभास ने दावा किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि फिल्म में आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जहां स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप फिल्म को गैस ही नहीं कर पाएंगे कि कहानी किस ओर जा रही है, लेकिन कहानी दमदार है, ये उन्होंने दावा किया है। अब कमर्शियल फिल्म होने के नाते कहानी के बजाय लोग इस फिल्म के कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि फिल्म के अंदर किस तरीके से सारी चीज़ों को पिरोया गया है और दिखाया गया है। जहां फिल्म के अंदर बहुत सारे विलन हैं, तो उनका किरदार किस तरीके का है और प्रभास उनको किस तरीके से टैकल करते हैं। दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में महज 1 दिन बाकी रह गया है। अब 1 दिन भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि चंद घंटों के बाद आपको फिल्म सिनेमा घरों में दिख ही जाएगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आपने क्या इस फिल्म की टिकट बुक करा ली है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यहीं मिलती है सबसे पहले।